हमारी इंद्रियों में से या सेंसरी ऑर्गन्स में से आंखें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतने महत्वपूर्ण अंग की देखभाल करने के बारे में आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन दिल्ली में। हम लोगों की आंखें जो हैं सिवाय सोने के लगातार काम करती हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी आंखों का जो मूवमेंट है, रैपिड आई मूवमेंट या नॉन रैपिड आई मूवमेंट, वो होता है। अब आंखें हम लोगों की आम तौर पे तकलीफ कर सकती हैं यदि उनमें किसी प्रकार का रोग हो जाए या किसी प्रकार सा उनका अनादर हो। हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है हम सब के, वो है स्क्रीन्स, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर का स्क्रीन हो, या जो है आजकल सेलफोन का स्क्रीन हो। चलते हैं तो चलते चलते सेलफोन के ऊपर करे हुए हैं, तो इतना ज्यादा स्क्रीन का प्रयोग, लगातार स्क्रीन को देखना, इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा आंख के ऊपर। हम लोगों ने पृथ्वी में बहुत से बदलाव किए हैं, प्रदूषण एक है। आंखों पे प्रदूषण का असर दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जो पार्टिकल्स यानी जो कण है, तो इसका दुष्प्रभाव हमारी आंख पे पड़ता है क्योंकि हमारी आंख जो है बिल्कुल सीधे हवा से टकराती है। वैसे तो देखने के लिए लाइट आवश्यक है, लेकिन कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो नुकसान करेगी ना, तो लाइट हमारी आंख को भी नुकसान करती है। तो यदि हम अपनी आंखों के माध्यम से मस्तिष्क को लगातार स्टिमुलेट करते रहें, उत्तेजित करते रहें, 9-9 घंटे स्क्रीन देखें, गेम्स खेलें, तो उससे जो है हमारे मस्तिष्क में उत्तेजना होती है। कई बार दौरा पड़ सकता है दिमाग में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है मस्तिष्क में कि व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तो ये सब कारण है जिनसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। उपचार बड़ा सिंपल, आप अपनी आंखों को विश्राम दीजिए, लगातार उनको जो है स्क्रीन पे मत अटकाइए, थोड़ा सा धूल से धूप से इससे बचाव करें अपनी आंखों का। इन छोटे छोटे तरीकों से आप अपनी आंख को स्वस्थ रख सकते हैं और उसके नुकसान से बच सकते हैं। धन्यवाद।